Hello, my loveliest children. So, how did your NEET exam go? Everyone asked you the same question, right? I am not gonna ask you the same question. See, what happened happened. We can't go back to the time and make any changes to it. जो भी हुआ हो गया, right? What's important is अब आगे क्या करना है. That's important. Students who have scored very well, जिनका अच्छा स्कोर आया है, they are going to get very good colleges, right? All the best. Congratulations also. But students जिनका 2-3 hours अच्छे नहीं गए, ड्यू टू एनी रीजन कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा एग्जाम नहीं गया, एंड ड्यू टू दैट आपने अच्छा स्कोर नहीं किया. इट्स ओके, होता है सबके साथ, इट्स नॉर्मल, राइट? तो आगे क्या करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में आते हैं, राइट? सम स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में होंगे, जिन्होंने 12th का एग्जाम बोर्ड दिया होगा, उन्होंने नीट एग्जाम दिया. कुछ होंगे जो ड्रॉप लिए होंगे, राइट? 1 साल का, 2 साल का, एंड दे हैड रिटन दिस नीट एग्जाम अभी जो मई का था, राइट? तो आगे क्या करना है, क्या 12th वाले स्टूडेंट को फिर से ड्रॉप लेना चाहिए, जो ड्रॉप ले चुके थे उनको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ये सारे कंफ्यूजन दिमाग में आते हैं, राइट? सो टू कम टू द कंक्लूजन ऑफ इट और टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें क्या सोचना चाहिए पहले? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछो खुद से कि डू यू रियली वॉन्ट टू डू MBBS, डू यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? अगर सच में really you want to become a doctor, if the answer is yes, then yes, definitely you should try once more. ठीक है, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, सो वी कैन टेक वन मोर चांस. अगर आंसर यस है, फिर दूसरा प्रॉब्लम जो आता है कि गाइडेंस कैसे ले, कहाँ से गाइडेंस ले, आपको अच्छे ट्यूटर्स ढूंढने हैं, कोई भी एक बहुत बहुत बढ़िया ट्यूटर्स ढूंढिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एंड उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, राइट? ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, जो आपको वो बोले फॉलो देम. आई एम नॉट सेइंग के विदाउट गाइडेंस आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाले टीचर्स मिलते हैं तो. ठीक है, सो लुक फॉर वेरी गुड टीचर्स, ट्यूटर्स, एंड उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, जो वो बोलते हैं उनको फॉलो कीजिए, एंड नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, मान लीजिए आपको अभी भी कंफ्यूजन है क्या करना है नहीं करना है, देन यू कैन जस्ट पुट अ मैसेज ऑन द कमेंट. आई विल सी इफ एनीवन नीड्स इट, वी कैन हैव वन मोर ऑनलाइन सेशन ऑन दैट, राइट? यस, बाय बाय, टेक केयर.